मंडी जिला मुख्यालय पर भाजपा ने अपने जिला स्तरीय चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी जयराम ठाकुर इस कार्यालय का रिबन काटकर इसका शुभारंभ करने पहुंचे। उनके साथ भाजपा नेता अनिल शर्मा और जिला अध्यक्ष रणवीर सिंह सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने बताया कि मंडी जिला के तहत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की सारी गतिविधियों का संचालन इसी कार्यालय से किया जाएगा। प्रत्याशियों का जिला कमेटी के साथ समन्वय स्थापित हो सके और उन्हें पेश आ रही परेशानियों का समय पर निदान किया जा सके, इसी उद्देश्य को लेकर कार्यालय का संचालन भी किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करके पार्टी हाईकमान की तरफ से आए दिशा निर्देशों की जानकारी भी दी। जयराम ठाकुर ने जिले की सभी विधानसभा सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों की जीत का दावा भी किया और आने वाले समय में मंडी जिला जो हमारा संगठनात्मक जिला जहां 5 विधानसभा क्षेत्र हम मानते हैं इस जिला से जो है बहुत अच्छा परिणाम रहेगा। और इस कार्यालय में जो कोऑर्डिनेशन का जो काम है 5 विधानसभा क्षेत्र का है, सुंदरनगर में 5 विधानसभा क्षेत्र का अलग से है, तो कुल मिलाकर के सरकारी जिले में हमारे जो 10 विधानसभा क्षेत्र हैं उन 10 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अब की बार जीतने के लिए जो है कोई कसर नहीं छोड़ी गई। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम अब की बार ये आंकड़ा पूरा का पूरा हासिल करने की स्थिति में है। इसी तरह के भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो जिस तरह के समन्वय बनाने का प्रयास किया जाता है और वो बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आज खुलकर सामने चले हैं तो मुझे लगता है अच्छा एक मुकाबला होगा। इस मौके पर अनिल शर्मा ने पार्टी कार्यालय शुरू करने के लिए जयराम ठाकुर सहित जिला भाजपा का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा के चुनाव में रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा और भाजपा की जीत तय है।